परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने हमको जीवन दिया। परमेश्वर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से नए नियम में रोमी की पत्री उसका 10वां अध्याय रोमी 10 और हम पढ़ेंगे 16वें पद से लेकर 21 पद तक। रोमी 10 16 से 21। परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान न लगाया, यशायाह कहता है, हे प्रभु, इसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। मैं भी कहता हूँ, क्या इजरायली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूल जाति के द्वारा तुम्हें रीस लाऊंगा। फिर ऐसा आया बड़े हिया के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इसराइल के विषय में मोह पता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि हमारे परमेश्वर जो हमसे बातचीत करने के लिए जा रहे वो हम सुन सके, समझ सके, ग्रहण कर सके और आने वाले दिनों में उस वचन के अनुसार हम चल सके और परमेश्वर की जो आशीष है उस आशीष के वारिस बन सके। क्योंकि ये हमारे पास जो बाइबल है, जो परमेश्वर का वचन है, वो सही में तो हमारे लिए एक रोटी के समान है। ये बाइबल जो है समझो एक रोटी है और ये जो रोटी है, ये जो बाइबल है वो रोटी है, इसलिए हमें इस बाइबल को हमें खाना है। तो बाइबल जो है वो हमें पढ़ने के लिए नहीं दिया गया, लेकिन बाइबल जो है वो हमें खाने के लिए दिया गया है। तो बाइबल जो है वो हमें खाना है, क्योंकि बाइबल जो है वो एक रोटी है। जब शैतान प्रभु यीशु के पास गया था तभी प्रभु यीशु ने उस शैतान से बात की थी, क्योंकि शैतान ने जब कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कहे कि रोटी बन जाए। और तब प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि इंसान केवल रोटी से नहीं, लेकिन वो हर एक शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहता है। मतलब वहाँ पर भी रोटी के साथ परमेश्वर ने वचन को ले लिया कि खाने से हम जीवित नहीं रहते। ये वाली रोटी जो गेहूं के हम बनाते सिर्फ वो ही नहीं चाहिए, लेकिन हमें आत्मा की रोटी भी चाहिए, मतलब बाइबल चाहिए। अगर हमें हमेशा के लिए जीवन जीना है तो हमें बाइबल, जो कि सही में हमारे परमेश्वर की रोटी है, वो हमें चाहिए। जब इसराइल के लोग मिस्र देश में गुलाम बने हुए थे और उस वक्त ऐसा हुआ था कि जब वो गुलाम बने थे तो 400 साल तक गुलाम बने रहे और 400 साल के बाद परमेश्वर ने चाहा था कि मैं इनको छुड़ाऊँ, क्योंकि परमेश्वर ने भविष्यवाणी बहुत पहले की थी और परमेश्वर ने अब्राहम को बताया था कि अब्राहम तेरी अंश जो है वो परदेश में भटकने वाली है, तेरी जो अंश है वो 400 साल तक गुलाम रहेगी और 400 साल के बाद मैं उन्हें छुड़ाऊँगा। तो परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी जो है वो शुरू से वो की थी। तो जैसे ही 400 साल ख़त्म होने को आए तो परमेश्वर ने इसराइल लोगों को छुड़ाना चाहा और परमेश्वर ने अब्राहम को पसंद किया
और अब्राहम को पसंद करके अब्राहम को सॉरी मूसा को पसंद करते हुए परमेश्वर ने मूसा को इज़राइल लोगों के पास मतलब मिस्र देश में पहुंचाए। और जब मूसा वहां पर गए तो परमेश्वर ने बहुत सारे चमत्कार करवाए। सबसे पहले तो जो लाठी थी उसका सांप बना दिया, उसके बाद पानी का लहू बना दिया, फिर मेढक वहां पर बुलवाए, मक्खी आई, आसमान से ओले बरसे, बहुत सारी विपत्ति आई। लेकिन उसके बाद चलते चलते कई जगह पर फिरौन ने इन लोगों को छोड़ने को हाँ नहीं बोला। उसके बाद परमेश्वर ने इज़राइल लोगों से कहा कि देखो अब जो चमत्कार होने वाला है, अब फिरौन जो है वो तुम्हें पक्का यहाँ से जाने देगा। और परमेश्वर ने कहा कि इस वक्त फिरौन जो है वो तुम्हें छोड़ देने वाला है। और जो आखिरी चमत्कार बाकी था वो था जो पहलौठे लोग थे उनको मरना था, ये आखिरी चमत्कार था। और जब वो आखिरी चमत्कार था तब परमेश्वर ने वो चमत्कार करने से पहले परमेश्वर ने एक बात जो थी वो इज़राइल लोगों को बताई। और बात ये थी कि परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा ये जो महीना है तुम्हारा वो साल का पहला महीना ठहरे। और ये सारी बातें निर्गमन उसके 12वें अध्याय में शुरू से लिखिए। तो परमेश्वर ने कहा कि अब ये जो महीना है वो तुम्हारी गिनती में साल में पहला महीना जो है वो पहला महीना वो ठहरे। उसके बाद परमेश्वर ने दूसरी बात बताई कि इस महीने के 10वें दिन तुम लोग एक मेमना खरीद लो, और मेमना खरीदने के बाद तुम उसको 14 तारीख को शाम को उसको काटना। मैं 10 तारीख को कभी भी आपको खरीदना है, मैं 10 तारीख सुबह से लेकर शाम तक आपके पास वक्त है, कभी भी खरीद सकते हो। फिर उसको आपको 11, 12, 13, 14 चार दिन उसको रखना है। 14 तारीख की शाम को आपको उस मेमने को काटना है। लेकिन मेमना खरीदने से पहले आपको ये सोचना है कि आपके घर में कितने लोग खाने वाले हैं। जितने खाने वाले लोग हैं उतना ही मेमना खरीदना है। मतलब कि आप 2 किलो खा सकते हो मीट, तो मेमना भी 2 किलो का होना चाहिए। लेकिन बहुत छोटा परिवार है और मेमना पूरा नहीं खा सकते तो बोले पास वाले परिवार को मिला दो, 2 परिवार इकट्ठा हो जाओ, 3 परिवार इकट्ठा हो जाओ। लेकिन मेमना इस तरह से लेना है कि कितने इंसान है उसके हिसाब से मेमना लो। फिर आपको 14 शाम को उसको काटना है और काटकर उसका लहू बाहर दरवाजे के ऊपर लगाना है, और उसके बाद उसको पकाना है। और जब आप उसको पकाओ तो बोले उसको कच्चा मत खाना और बॉईल किया हुआ मत खाना। लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि उसको आग में सेक कर, मतलब जिस तरह से आज लोग पसंद करते तंदूरी, वैसे उस तरह से बनाकर उसको खाना, ऐसा परमेश्वर ने बताया। तो परमेश्वर ने ये बात आज़ाद होने से पहले इनको ये बात बताई। और परमेश्वर ने कहा जब ये आप खाओ तब आप किस तरह से खाना है, तो बोले पैरों में जूते डालकर, कपड़े पहनकर, एक हाथ में अपनी लाठी लेकर। मतलब कभी भी फिरौन उस वक्त आपको बोल सकता है कि यहाँ से चले जाओ और आपको वहाँ से निकलना है। इस तरह से परमेश्वर ने आखिरी चमत्कार करने से पहले ये बात जो है फसक के मेमने की बात जो है वो परमेश्वर ने बताई। लेकिन वहाँ पर ऐसा लिखा है, हम पढ़ ही लेते हैं निर्गमन का पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका 8, 9 और 10 पद। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर पीली मुट्ठी और कड़वे सागपान के साथ खाए, उसको सिर, पैर और पत्तलियां समेत आग में भूनकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी नहीं पकाकर न खाना, और उसमें से कुछ सवेरे तक न रहने देना। परमेश्वर ने कहा था कि आप कच्चा मत खाना और बॉईल कर मत खाना। मैं कच्चे में तो टेस्ट ही नहीं आता और कच्चा ज़्यादातर कोई खाता ही नहीं। और दूसरी बात परमेश्वर ने कही थी कि बॉईल कर मत खाना, बॉईल में इतना टेस्ट नहीं रहता। लेकिन आग में भूंज कर अच्छी तरह से
मसाला वगैरह डालकर तंदूरी बनाकर आप उसको खाना कि जिसको खाने में वो मज़ा आता है, ऐसा बनाकर आप लोग खाना। ऐसा परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को बोला। मैं कई बार कई जगह पर जाता हूँ, किसी लोगों के घर में मैं जाता हूँ और सब ऐसा होता है कि घर में एक व्यक्ति होता है, वो कई बार बाइबल पढ़ने के लिए बैठा होता है और बाकी के सारे सदस्य कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, कोई बातें भी करता रहता है। तब मैं देखता हूँ कि जो व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा है उसको क्या समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ तो लोग इधर उधर घूमे जा रहे हैं। मैं देखता हूँ तो लोग बातें भी करते जाते हैं, तो फिर जो बाइबल पढ़ रहा है उसका ध्यान बाइबल में कैसे रहेगा? और फिर भी वो बाइबल पढ़ता रहता है। हो सकता है अगर उसका ध्यान ऐसे भी बना रहता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं तो एकांत पसंद करता हूँ कि जब कोई ना हो, सब सो चुके हो, तब ऐसे माहौल में जब बाइबल पढ़ा जाए तो परमेश्वर हमें जो कहना चाहते हैं वो हमें पता चलता है, हमें परमेश्वर से कुछ पता चलता है। हमारा ध्यान जो है उस संपूर्ण रीति से उस वचन के अंदर हमारा बना रहता है। तो जो इस तरह से बाइबल पढ़ते हैं, मैंने ऐसे लोगों को कभी आगे बढ़े हुए नहीं देखा कि ऐसे लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे लोग फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, मसीह को मानते हैं, घर में बाइबल है तो चलो बाइबल जो है बस वो बाइबल हम पढ़ लेते हैं, तो जैसे फॉर्मेलिटी, हम मसीह लोग हैं, हम क्रिश्चियन लोग हैं, हमें बाइबल पढ़ना चाहिए। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, पहले कुरंथी में उसका पांचवा अध्याय, पहला कुरंथी उसका पांचवा अध्याय उसका सातवां पद, हमारा फसल, ये जो मेमना परमेश्वर ने इज़राइल में काटने को बोला था उसको परमेश्वर ने ये नाम दिया था फसल का मेमना, फसल का मेमना। और यहाँ पर लिखा है कि वो फसल का मेमना कौन है, फिर से पढ़ो। पुराना खमे निकाल कर हमारा फसक, फसक का मेमना जो मसीह है। अभी देखो फसक का मेमना कौन थे, प्रभु यीशु थे। वो परमेश्वर ने बरसों पहले जो इज़राइल लोगों को बताया था कि आपको मेमना घर में लेकर आना है, चार दिन तक रखना है, चौथे दिन शाम को काटना है और उसका मांस उसकी मुंडी के साथ, पाया के साथ और अंतड़ी के साथ खाना है और उनमें से कुछ भी सुबह तक नहीं बचाना है। और ये जो सही में मेमना थे वो तो प्रभु यीशु खुद थे, वो मेमना खुद प्रभु यीशु खुद थे। और प्रभु यीशु को हमें क्या करना है, खाना है। क्या लिखा है कि फसह का मेमना कौन है, प्रभु यीशु। तो हमें प्रभु यीशु को क्या करना है, हमें प्रभु यीशु को खाना है। और यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका एक और दो पद, आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन खुद परमेश्वर था, आदि में परमेश्वर के साथ था। और वही वचन आदि में, मतलब कि सबसे शुरुआत में परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये वचन किसी और की बात नहीं कह रहे, ये वचन मतलब प्रभु यीशु। और प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय उसका 13वां पद, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि प्रभु यीशु ने लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना है, ये प्रभु यीशु की बात की। और उनका नाम क्या है, तो बोले परमेश्वर का शब्द है। तो प्रभु यीशु का जो नाम है वो परमेश्वर का शब्द है, प्रभु यीशु का नाम परमेश्वर का शब्द। आदि में वचन था, वो वचन कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु है। और परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन, मतलब आज जो हमारे हाथ में ये बाइबल है,
वो बाइबल मतलब कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये हमारा जो बाइबल है, समझो यही यीशु मसीह है, यही परमेश्वर का शब्द है, यही फसह का मेमना है। और उस समय क्या करना है? खाना है। तो बाइबल को सही में हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन बाइबल को हमें क्या करना है? खाना है। कच्चा नहीं, बॉयल किया हुआ नहीं, लेकिन जिस तरह से तंदूरी बनाकर खाने को मज़ा आता है, वैसे ही पूरे मसाले के साथ उसको आग में भूंज कर हमें ये वचन जो है, उस वचन को हमें खाना है। जब वचन आप खाओगे तो खाने का मतलब क्या है? आपके मुंह से अंदर जाता है। वचन को इस तरह से आपको खाना है कि आपके अंदर चला जाए, आपके भीतरी हिस्से में, मतलब आपके हृदय में चला जाए वचन। इस तरह से आपको ये वचन जो है, उस वचन को आपको खाना है, ताकि जैसे जैसे आप खाते रहो वो आपके हृदय के अंदर एक के बाद एक के बाद एक के बाद जमा होता जाए। क्योंकि जो हम खाते वो दिखाई नहीं देता हमको, लेकिन जिस तरह से इंसान बढ़ता है वो खाने की वजह से ही बढ़ता है। लोगों को रोटी देना बंद कर दो, एक दिन दो दिन तीन दिन कितने दिन तक जिंदा रहेगा, फिर ख़त्म हो जाएगा वो। तो उसी तरह से ये जो वचन जो आत्मा की रोटी है, वो जब हम खाते हैं तो वो हमारे दिल में जमा होता है। तो जो हम खाते हैं उसी की वजह से आज हम लोग इतने बड़े हुए। अगर नहीं खाया होता तो सब लोग कब के समाप्त हो गए होते, ख़त्म हो गए होते। तो इसका मतलब परमेश्वर ये कह रहे हैं कि खाने से हमको जीवन मिलता है। तो प्रभु ने भी कहा कि सिर्फ गेहूं की रोटी नहीं या किसी और धान की रोटी नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से जितने शब्द निकलते हैं वो शब्द से हमें जीवन मिलता है। हालेलुया। तो ये वचन जो है वो वचन हमें खाने, खाएंगे तो हमारे अंदर जाएंगे, अंदर मतलब क्या, हमारे हृदय में ये वचन जो है वो जमा होते जाएंगे। और फिर व्यवस्था विवरण में लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका अध्याय 6 और उसका पद भी 6, पुनर्नियम व्यवस्था विवरण 6 और 6। और ये आज्ञा है जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ। परमेश्वर कहते हैं आज जो वचन मैं तुझे देता हूँ, जो आज्ञा मतलब ये वचन जो मैं तुझे देता हूँ, हाँ, ये तेरे मन में बने रहे, वो तेरे मन में बने रहे, मतलब अंदर पूरी तरह से ये जो वचन है वो तेरे अंदर बने रहे। इसका मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि जो वचन है वो हमारे कहाँ पर होने चाहिए? हमारे दिल के अंदर होने चाहिए। बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनना। अगर आज परमेश्वर का वचन आपके अंदर चला गया तो समझ लेना आज से आपके जीवन में खुशी की लहर जो है वो आने वाली। तो वचन हमको खाना है, खाएंगे तो हमारे दिल में जमा हो गए। और परमेश्वर बोलते हैं कि ये वचन जो है वो तेरे दिल के अंदर वो बने रहेंगे। जब वचन पढ़ोगे तो अंदर नहीं जाएगा, लेकिन खाओगे तो ये वचन जो है वो वचन आपके अंदर चला जाएगा। और पता है कि ये वचन खाने का फ़ायदा क्या है? ये वचन जो है, वचन जब हम खाते हैं तो वचन का फ़ायदा कितना होता है? एक बार फिरौन को सपना आया, और सपना ऐसा आया था कि उसको पहले 7 गाय दिखी। 7 गाय पूरी तरह से हरी भरी थी, रुष्ट पुष्ट थी, और वो कहीं पर चर रही थी। और तभी क्या हुआ, पीछे से दुबली पतली गाय आई, वो भी साफ थी, ये भी साफ थी। जो दुबली पतली गाय आई, सभी ने एक एक गाय को निगल लिया, और निगलने के बाद वो अच्छी हरी भरी हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो फिर भी वैसी की वैसी ही रही, दुबली पतली। और राजा जाग गया, थोड़ा सा डरा हुआ था, फिर जैसे वैसे वापस सो गया। जैसे सो गया तो वापस उसको एक सपना आया। सपने में उसको खेत के 7 बाले दिखाई दिए, और 7 बाले जो थे वो दाने से पूर्ण रीति से भरे हुए थे, लेकिन उसके पीछे और 7 बाले निकल आए जिनके दाना ही नहीं था, सूखे हुए थे। और वो जो बाले थे सूखे, उसने ये भरे हुए बालों को निगल दिया, और फिर भी वैसे के वैसे रहे। राजा की नींद चली गई, और सुबह उसे ढिंढोरा पिटवाया कि मुझे सपना है, उसका मतलब बताओ। कोई भी मतलब बताने वाला नहीं था। और उस वक्त यूसुफ जो थे वो तो जेल में थे, लेकिन जेल में राजा का एक कैदी था जो पानी पिलाने वाला था। उसको याद आया कि यूसुफ ने मेरे सपने का मतलब बताया था, और वैसा ही हो गया था। उससे राजा को बोला, राजा एक काम करो, यूसुफ को बुलाओ।
यूसुफ को बुलाया गया, यूसुफ को ये दोनों सपने बताए और यूसुफ ने बहुत बढ़िया सा उत्तर दिया परमेश्वर की आत्मा से कि देखो सात जो गाय जो पुष्ट थी हरी भरी थी और सात बालक जो दाने से भरे हुए थे ये सात साल है। और उसके बाद जो दुबली पतली गाय दिखाई दी वो और ऐसे वाले दिखाई दिए जिसके अंदर दाना नहीं था वो भी सात साल है। पहले सात साल ऐसे है कि जिसमें भरपूर एक मतलब खेत में इतना अनाज आएगा इतना अनाज आएगा कि बहुत आए से, लेकिन उसके बाद सात साल अकाल के आएंगे जब भरपूरी होती है, जब किसी के पास पैसा होता है तो लोग बातें करते हैं बहुत धनवान इंसान है बहुत पैसे वाला है, लेकिन ऐसा हो जाए कि वो इंसान इतना गरीब हो जाए सब कुछ चला जाए और यहाँ तक कि लोग भूल जाए कभी अमीर भी था, बोले सात अकाल के जो साल आने वाले वो इतने भयानक से होंगे कि लोग भूल भी जाएंगे कि इससे पहले भरपूरी थी, बोले इतने दर्दनाक वो सात साल होंगे। फिर उन्होंने बोला फिर इसका हल क्या कि? हम अकाल के समय में किस तरह से बच सकते हैं? यूसुफ ने एक आइडिया बताया, काम करो आप ऐसे इंसान को ढूंढो जिसके पास ज्ञान हो और वो इस सात साल में क्या करेगा, इतना अनाज इकट्ठा करेगा और उसको संभाल कर रखेगा और जब अकाल का वक्त आएगा तब लोगों को वो बांटेगा ताकि कोई भी भूखा ना मरे। और फिर ऐसा ही हुआ, यूसुफ जो है उन्होंने सात साल भरपूर के वक्त अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया, उन्होंने एक बड़ा रजिस्टर बनवा दिया, लोगों के पास 20% खेत में से वो टैक्स के सामान लेते रहे इकट्ठा करते रहे, लेकिन जो भरपूर की इतनी थी कि बस हिसाब रखते रहे उनका रजिस्टर भी ख़त्म हो गया। तो फिर यूसुफ ने सोचा छोड़ो अभी हिसाब ही नहीं रखना है, बस भरते जाओ। और यूसुफ ने इतना सब कुछ इकट्ठा कर दिया कि अब कहीं पर भी उसकी गिनती जो है वो कर नहीं सकते। उसके बाद क्या हुआ, अकाल का वक्त आया कि ये पूरी दुनिया में थी, अभी अकाल भी पूरी दुनिया में आया कि अकाल आया तो जब तक जिसके घर में जितना भी भरा हुआ था वह कई लोग होते एक साल का भर कर रखते हैं तो हो सकता है एक साल खाया हो या छः महीने खाया हो मालूम नहीं, लेकिन जब तक घर में होगा तब तक लोगों ने खाया होगा। उसके बाद देखा हमारे पास तो है नहीं, पूरे देश में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। और तब दुनिया में एक देश ऐसा था मिस्र देश जहाँ पर आज भी अकाल के वक्त भी भरपूर में ये अनाज जो था वो वहाँ पर मिलता था। और बाइबल में ऐसा लिखा है उत्पत्ति के पुस्तक में उत्पत्ति उसका 41वां अध्याय और उसका 57वां पद है 57। इसीलिए सारे पृथ्वी के लोग सारी पृथ्वी के लोग इस तरह से पढ़ो इसलिए सारी पृथ्वी के लोग हाँ मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे। हाँ कहाँ के लोग आने लगे, सारी पृथ्वी के लोग। देखो इसका मतलब पूरी धरती के ऊपर अकाल छाया हुआ था, कोई भी देश ऐसा नहीं था कि जहाँ पर अकाल नहीं था, सभी जगह पर अकाल था और सभी देशवासी को सफ़र करते करते यहाँ मिस्र देश में आते थे। अभी देखो मिस्र देश मतलब आज का जो इजिप्ट है ना, वो मुझे पिछले दिनों में वहाँ पर जाने को मिला, मैं वहाँ पर जाकर भी आया, दो प्लेन बदल कर हम लोग गए थे और मेरे अंदाजे से 7-7.5 घंटे हमको लगे थे, हो सकता है डायरेक्ट प्लेन हो तो उससे कम भी वक्त लगे, लेकिन ये तो हम पास में है इसलिए, लेकिन कई दूर देश वाले वहाँ पर आते होंगे उनके पास कौन सा प्लान था। अभी देखो सफ़र करते करते चलते चलते मिस्र देश में पहुँचना, वहाँ पर अनाज खरीदना और फिर वापस जाना, तो रास्ते में भी तो खाना चाहिए, कितना रास्ते में इस्तेमाल हो जाए, वहाँ घर तक कितना लेकर जाए, फिर घर तक कितना चले और फिर वापस कब आए, और सभी को देना है 7 साल तक चलाना है, तो मुझे नहीं लगता कि जो जितना भी लेकर मांगते होंगे इतना ये यूसुफ दे देता होगा, नहीं बारी बारी से मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा, खाते रहो खरास हो तो आते रहो इस तरह से देते होंगे, क्योंकि इसमें भी अकल चेक नहीं तो लोग बोलेंगे मालूम नहीं कल कब अकाल खत्म होगा, चलो एक साथ में ही भर देते हैं पैसे वाला, तो ये बोलेंगे सारा ना जो हम ही को दे दो,
तो यूसुफ भी किसी हिसाब से देते होंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कई लोग है ना मिस्र के आसपास में बस गए होंगे, यहीं पर रह गए। जब तक बरसात नहीं आता तक घर पर जाकर भी क्या करें। ऐसा हो सकता है कि कई लोग वहाँ आसपास में ही बस जाए कि जब भी ख़त्म होगा तो यहाँ से हम लेते रहेंगे। और ध्यान समाधान इसी तरह से वचन जो है वो वचन काम में आते हैं। जिस तरह से भरा हुआ अनाज काम में आया इसी तरह से जब वचन की भरपूरी है तो हमें वचन की भरपूरी में हमें यही करना है कि हमें वचन जो है हमारे अंदर ले लेने की, ताकि जब अकाल का वक्त आए तब हम उसको हमारे दिल से बाहर निकालकर उस वचन से हम तृप्त हो सके। एक बार एक भाई साहब थे वो ध्यान समझना, तो उनका एक्सीडेंट हो गया उनका जो दाहिना पैर था वो टूट गया। और ज़्यादातर सभी लोग दाहिने पैर और दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं। एक भाई साहब का दाहिना पैर मेन पैर जो था वही टूट गया। डॉक्टर ने उनको बोल दिया आप चल नहीं सकते, कुछ डेढ़ महीने का वक्त दिया, उसके बाद दूसरी बार दिखाने के लिए जाएंगे तब डॉक्टर बोलेंगे कि इस तरह से आपको चलना है, कितना चलना है। जिसका हाथ पैर टूटा उसको पता चलता है कि किस तरह से ये दवाई जो है वो आगे बढ़ती है। अब ये सब कुछ सुनकर आया था, उसकी दवाई चल रही थी और पैर में प्लास्टर लगा हुआ था। दो तीन दिन हुए थे और मेरा उनके घर पर जाना हुआ। कोई भाई साहब मुझसे वहाँ पर लगे कि आप वहाँ पर आओ प्रार्थना के लिए, और मैं उनके पास गया। जब मैं उनके पास गया मैंने उस भाई साहब को बाइबल के वचन से सिखाया। मैंने बोला देखो भाई साहब बाइबल में ऐसा लिखा है कि विश्वास से आप जो कुछ मांगोगे वो परमेश्वर बोलते हैं कि मैं दे दूँगा। ऐसा विश्वास करना है प्रार्थना में, जो मांगा है उसमें जो मिल ही गया है। तो मैंने बोला जब हम प्रार्थना करेंगे तो आपको विश्वास करना है कि आपको चंगाई मिल चुकी है, और उसके बाद आपको उठना है और उसी पैर जो टूटा हुआ है उसी सब को चलना है। जब ये बच्चे ने उनको कहे एक दो गवाही बताए उनको, उनके बाद जब वो उठ कर जब प्रार्थना हुई मैंने भाई साहब को भाई साहब उठो और चलो, और सही में उन्होंने हिम्मत की और वो चलने लगे। बहुत हल्के हल्के से पैर रखने लगे, लंगड़ा जो चलने लगे। मैंने बोला कुछ दर्द हो रहा है? बोले नहीं। मैं फिर सही पैर रखकर चलो, फिर सही पैर रखकर भी चले कुछ नहीं हुआ। फिर उनकी हिम्मत और बढ़ गई, अच्छे से वो तो चलने लगे। और फिर मैं वहाँ से प्रार्थना कर निकल गया। आधे घंटे बाद मुझे खबर आई कि उन्होंने पूरा प्लास्टर खोल कर फेंक दिया। देखो कितनी बड़ी बात। लेकिन इस भाई को मैंने परमेश्वर के कुछ वचन कहे, विश्वास की, मैंने उन्होंने कुछ बात की और उसके कारण वो चलने लगे। लेकिन डॉक्टर से क्या सुनकर आए होंगे, डॉक्टर ने क्या बोला होगा, डॉक्टर ने कहाँ परमेश्वर के वचन बोलोगे। डॉक्टर ने तो ये बोला देखो भाई साहब आपका पैर टूटा हुआ है, अभी पूरी सावधानी बरतनी है, अभी आपको बेड से उठना नहीं है, अभी आपको पैर को हिलाना नहीं है, बहुत जतन करना पड़ेगा और कहीं ऐसा ना हो कि आपका पैर कुछ इधर उधर हो जाए, आप सावधानी ना बरतो और हो सकता है कभी भी ना चल पाओ। बहुत कुछ डॉक्टर ने बोला होगा, मेरी जो दवाई है वो समय से लेनी पड़ेगी, इसी तरह से लेनी पड़ेगी, हो सकता है खाने में भी कुछ बताओ ऐसे ही खुराक आपको लेना होगा, ऐसे ही खाना आपको खाना होगा, इस तरह से करना होगा, दूध पीना होगा वगैरह, बहुत कुछ डॉक्टर ने उसको बोला होगा। लेकिन डॉक्टर ने जो कहा था उसको मैंने परमेश्वर के वचन सारा धो दिया और मैंने परमेश्वर के वचन सुना। परमेश्वर के वचन सुनकर उनको परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास आ गया और उन्होंने मेरी कही हुई बात मानी जो मैंने वचन से कही थी। वो भाई साहब ने विश्वास भी किया, वो चले भी तो चले भी लगे और उनको संपूर्णति से उसी वक्त चंगाई मिल गई। एक दूसरा एक लड़का था और उसका भी एक्सीडेंट हो गया था। जब उसका एक्सीडेंट हो गया तो कमर के अंदर जो उसके मणके थे उसमें से दो मणके क्रैक हो गए और डॉक्टर ने उसको ऐसा बोला 3 महीने तक आपको हिलना भी नहीं है, बस सोए ही रहना है, सोते सोते भी हिलना नहीं है। कितनी बड़ी बात। मुझे पता चला मैं वहाँ पर गया और मैंने उनको बाइबल से काफ़ी कुछ बताया। मैंने उनको मेरी खुद की गवाही बताई कि एक बार मैं भी गिर गया था, मैंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया था तो मेरे जीवन में कैसे चंगाई गई। क्या भाई साहब जवान लड़का था अभी तो कुंवारा था, बोला क्या तू इस तरह से परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करता है? बोलो करता हूँ। उसके बाद उसके लिए प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद मैंने मेरा हाथ ऐसे उसके आगे बढ़ाया तो उसने भी अपना हाथ बढ़ा दिया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, मैंने उसको खड़ा कर दिया।
मैंने बोला कुछ हो रहा है भाई? बोले कुछ नहीं। उसको उसी वक्त जो डॉक्टर ने बोला था कि 3 महीने लगेंगे, उसको 3 दिन तक नहीं लगे थे। और उसके बाद वो कमर के लिए कभी भी उसको अस्पताल में जाने की जरूरत है, वो जरूरत कभी भी महसूस नहीं हुई। ये हमारे परमेश्वर का काम है। लेकिन डॉक्टर के पास से बहुत कुछ सुनकर आया होगा कि ये तो मेन पार्ट है, ये तो मेन रीढ़ की हड्डी है, उसमें अगर नुकसान हो जाए तो ऐसा होता है वैसा होता है। हो सकता है डॉक्टर ने बताया कि आपको चंगाई मिलने के बाद भी ये कमर दर्द कभी भी आपके पास आता रहेगा। हो सकता है ठंडी में और बादल में आपको ये दर्द आता रहेगा। ऐसा कुछ भी बताया हो, किस तरह से सावधानी बरतनी है वो भी बताया होगा। लेकिन जब परमेश्वर के वचन में उसको सुना है तो उसने परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर के वचन ने डॉक्टर के सारे वचन को नाकामयाब कर दिया, उसको पूरी तरह से धो डाला, उसको वहाँ से निकाल दिया। एक भाई साहब उनको भी उनके जीवन में एक बार ऐसा ही हुआ, रात को उनको पेट में बहुत दर्द हुआ, दर्द के मारे वो ऐसे घर के अंदर इधर उधर नीचे होने लगे। घर वालों ने देखा, बच्चों ने देखा, पत्नी ने देखा और बोले मेरे पति को क्या हो गया, बच्चे देखा मेरे पिता को क्या हो गया। सभी लोग डर गए, फटाफट उनको अस्पताल में लेकर गए। अस्पताल में जाकर उनको पेन किलर दिया गया, उनको उनका रिपोर्ट निकाला गया और पता चला उनके अंदर 3 पथरी। और डॉक्टर ने बोला पथरी भी बड़ी है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आएगा तो ऐसा करो एडमिट हो जाओ। उस भाई साहब ने बोला नहीं, मुझे एडमिट नहीं होना है, मैं तो यहाँ से घर जाऊँगा। जो किसी भी तरह से वो घर पर आ गए। घर पर आने के बाद उनका मुझसे फ़ोन आया, मैं सुबह उनके घर गया और जब मैं उनके घर गया हम दोनों बैठे, अभी भी उनको दर्द हो रहा था। उनके मुँह से कभी मुँह ऐसा होता था, कभी ऐसा होता था, पता चलता था कि अभी भी उनको दर्द हो रहा है। और मैंने उनको परमेश्वर के वचन से कुछ बातचीत की, मैं देखो परमेश्वर हमको बनाया है और परमेश्वर जिस तरह से हमारी रचना की है, तो हम जो खाना खाते हैं वो खाना तो हमारे पेट के अंदर जो जठर होता है उसमें जाता है, वहाँ से एक चक्की के समान पीस कर वो खाना आगे बढ़ता है, छोटी अंतड़ी में जाता है, कचरा बड़ी अंतड़ी में जाकर वो सारा बाहर निकाल देता है। लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना कि हम जो खाते हो किडनी में जाता है। हाँ, पाचन होने के बाद, लहू बनने के बाद, चाहे जो भी दूसरा तरीका होगा वो वहाँ जाए, लेकिन हम जो खाए डायरेक्ट वहाँ पर चला जाए ऐसा नहीं। और अगर पथरी अंदर हमने खा भी ली है तो पथरी भी कचरे के साथ वो बाहर निकल जाएगी। कई बार ऐसा हुआ है छोटे छोटे बच्चे एक सिक्का निकल जाते, दूसरे दिन टॉयलेट में निकल जाता है, तो वो कहीं किडनी में नहीं जाता हो। तुमने बोला आपकी किडनी में कैसे चला गया, तुम्हें बोला ये बात सब गलत है, किडनी में कुछ नहीं गया। लेकिन डॉक्टर अपने मशीन से जो बोलते हैं वो उनकी बात सही, उनके मशीन सही बताते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ कि पथरी नहीं है, ये 3 दुष्टात्मा है जो वहाँ पर पथरी बनकर बैठे हुए। और फिर बाइबल से उनसे बात करते हुए मैं बोला क्या है, दुष्ट आत्मा को निकालने की एक ही रीत है कि हम प्रभु यीशु के नाम से विश्वास से उसको आज्ञा करें और वो निकल जाएगा। और उन्होंने कहा कि मैं विश्वास करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना की, उनकी 3 पथरी चली गई, आज तक मुड़कर वापस नहीं आई। वो कौन से रास्ते से चली गई वो भी मालूम नहीं। देखो डॉक्टर ने उनको बहुत कुछ बोला होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना ये हो सकता है वो हो सकता है, घर वालों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन उनके ऊपर परमेश्वर के वचन जब आए ये सारी बातें धो डाली और परमेश्वर के वचन उनके ऊपर हैवी हो गए और परमेश्वर के वचन से इनको संप्रति से इनको छुटकारा मिला। यूसुफ ने 7 साल तक जो इकट्ठा किया उसके कारण यूसुफ जो है अभी 7 साल का अकाल का जो उस वक्त है उसमें खाते भी रहे और लोगों को वो खिलाते भी रहे। जो कुछ उन्होंने इकट्ठा किया था बस वो देते रहे लोगों को और वो भी तृप्त रहे और लोग भी तृप्त रहे। एक बार इसी तरह से अकाल पड़ा था इसराइल में, और देखना कि अकाल का मतलब ये होता है कि ऊपर से बरसात नहीं आना, पानी का नहीं गिरना, और बरसात नहीं आता है तो ज़मीन सूखी रह जाती है, ज़मीन के नीचे जो पानी होता है वो भी ज़मीन के नीचे सूख जाता है और इंसान के पास पानी नहीं रहता, वो खेती नहीं कर सकता है। और हो सकता है पीने का पानी बहुत कुछ थोड़ा बहुत उसको मिल जाए, लेकिन जब अकाल होता है तो खेती जो होनी चाहिए वो खेती नहीं होती। लेकिन समझो कि बरसात बहुत हुई है,
फसल भी बहुत आई है, लेकिन फिर भी घर में अगर खाना ना हो तो कोई फायदा? बरसात भी बहुत आई है, फसल भी बहुत है, बाहर देखो तो दुकान में, खेत में, गोदामों में, सब जगह पर अनाज भरा हुआ है, लेकिन किसी इंसान के घर में अगर खाना ना हो तो फिर चाहे अकाल नहीं भी है तो क्या फ़ायदा, क्योंकि इसके घर में तो अकाल का जैसा ही वातावरण है। सब कुछ होने के बावजूद भी इसके घर में तो कुछ भी नहीं है। और एक बार इज़राइल में ऐसा ही अकाल पड़ा, बरसात भी गिरी थी, फसल भी बहुत आई थी, लेकिन हुआ ऐसा कि आराम के राजा ने इनको चारों ओर से घेर लिया। और उस वक्त ये लोग जो शहर बनाते थे, शहर के चारों ओर एक बड़ी सी दीवार जिसको शहर बना या तो कोट बोलते ऐसा बनाते थे, और जितने रास्ते शहर के अंदर जाते थे वहाँ बहुत बड़ा लोहे का दरवाज़ा वो लोग बना देते थे। अभी आराम की सेना उसको तोड़कर अंदर नहीं आ सकती, लेकिन साथ में ये भी है कि इज़राइल के लोग बाहर नहीं जा सकते, इनके गोदाम बाहर है, इनके खेत बाहर है, इनकी फसल भी बाहर है। अगर ये लोग बाहर जाते तो आराम के लोग उनके ऊपर अटैक करते, इनको ख़त्म कर देते, तो इज़राइल लोग बाहर नहीं जा सकते। और बाहर नहीं जाने की वजह से बाहर जो अनाज था, बाहर जो फसल थी, वो लोग अपने घर पर नहीं लेकर आ सकते, और इसे घर में जितना था उतना तो उन्होंने खा लिया, लेकिन जितना था वो सब कुछ वो ख़त्म हो गया। अब बाहर चाहे कितना भी बड़ा हो, 2002 में जब हमारे गुजरात में वारदातें हुई थी हिंदू मुसलमान को लेकर, जो वारदातें हुई थी इस उस वक्त पर कई बड़े बड़े लोग कि जिनके बैंक में करोड़ों रुपए पड़े थे लेकिन घर में पैसे ख़त्म हो गए थे, और वो लोग लोगों को बोलते थे कि भाई साहब हमें कुछ हो तो दे दो, बैंक में तो बहुत पड़ा है, ये क्या फ़ायदा, उसको ला ही नहीं सकते, हम वहाँ पर पहुँच ही नहीं सकते, तो कितना भी पड़ा हो क्या फ़ायदा, चाहे खेत में कितना हो, हमारे गोदाम में कितना हो, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, घर में ला नहीं सकते, तो फिर वो फसल का वो अनाज का फ़ायदा क्या, वो तो एक अकाल के समान में समान ही हो गया। लोग मर रहे थे इज़राइल के अंदर। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि राजा वहाँ से जा रहा था और राजा के साथ एक स्त्री ने बात की, बोले हमारा न्याय कर, तो बोले कैसा न्याय, तो बोले दूसरी औरत को लेकर आई, बोले देखो इसका भी बेटा है मेरा भी बेटा है, हम दोनों ने तय कर दिया कि आज मेरा बेटा खाएंगे बनाकर और कल इसका बेटा बनाकर खाएंगे, तो बोले कल मेरा बेटा तो हम बनाकर खा गए लेकिन आज इसने अपना बेटा छुपा लिया। देखो कितना बड़ा अकाल था, अनाज नहीं था ऐसा नहीं, घर में नहीं था, इनके गोदाम में तो पड़ा हुआ था, इनके खेत में तो पड़ा हुआ था, ये बाहर जा नहीं सकते थे डर के मारे, और इसलिए इन्होंने अपने बेटे को अपने हाथों से काटा होगा, उसके टुकड़े किए होंगे, उसके मीट को साफ किया होगा, धोया होगा, उसमें नमक मिर्च सब कुछ डालकर इन लोगों ने खाया होगा। सोचो ये वक्त, ये अकाल जो था वो कितना भारी होगा, लेकिन इन लोगों ने उस वक्त इस तरह से जीवन जिया, घर में बाइबल हो, मोबाइल में बाइबल हो, लेकिन दिल पूरा खाली, तो क्या फ़ायदा। जिस वक्त जिस वचन की ज़रूरत है इंसान को, उस वक्त वो वचन तो बाइबल में पड़ा है, वो वचन तो उसके मोबाइल में पड़ा है, अभी तो उसको दिल में ज़रूरत है, लेकिन जब दिल में है ही नहीं तो वचन का फ़ायदा क्या। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि वचन को खाना है, इस वचन को खाकर अपने दिल के अंदर भर दो। उस वक्त देखो कैसी हालत हुई होगी, जब आसपास वाले ने सुना होगा, कहीं से पता चला होगा कि यार हमारे पास में या तो दूसरी लाइन में मालूम हो दो औरत रहती है, बोले क्या हुआ, तो बोले उसने तो अपना बेटा काट कर बनाकर खा भी लिया, अभी समझो घर में ज़्यादा नहीं चार लोग हैं, माता पिता, जवान लड़की और जवान लड़का, अभी बाहर से किसी ने आकर ये बात बताई कि वो दूसरी लाइन में तो ऐसा हो गया, अभी देखो लड़का अपने बाप की ओर ऐसे देखे, बाप सोचेगा कहीं मुझे तो मारने की इरादा नहीं रखता, और बेटा ये भी सोचता होगा कहीं मेरा बाप मुझे ना मार दे, रात में नींद कैसे आए इनको, लड़की को भी कैसे नींद आए, उसकी माँ को भी कैसे नींद आए, जब कुछ छोटा बच्चा काट कर खा सकते तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, जब बातें सुनते तो डर लगता है अभी क्या होगा क्या नहीं।
ऐसी ऐसी बातें जब सुनने को मिलती होगी, अरे वहाँ वो अकाल के मारे उसको 10 दिन से खाना नहीं मिला था, उसके पेट में अनाज नहीं गया था, उसके घर में 2 लोग मर गए। और यहाँ पर बात आई, अरे 4 दिन से तो हमने भी नहीं खाया, अभी कल हम भी मर जाएंगे क्या? कुछ भी सोचा सकती है एक दूसरे को देखकर। माँ को अभी बेटे पर विश्वास नहीं, बेटी को माँ के ऊपर विश्वास नहीं, बाप को पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं, पत्नी को पति के ऊपर विश्वास नहीं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गलती हो सकती है, कहीं पर कोई भी किसी को भी मारकर खा सकता है। ऐसे अकाल का वो वक्त जो था, वो ऐसा वक्त था, कितने बुरे हालात जो है वो उनके जीवन में ऐसे हो गए। मिस्रों में जब इतना अकाल था और पूरी धरती के ऊपर अकाल, 7 साल का अकाल चल रहा है और चारों ओर ऐसी बातें फैलती होगी, अकाल से 10 लोग मर गए, अकाल से 20 लोग मर गए, ये देश में इतने मर गए, वो देश में इतने मर गए, यहाँ पर पानी पीने का भी खत्म हो गया, उस देश में पानी खत्म हो गया, लोग किस तरह से कैसे लोग डरते होंगे। एक बार किसी जगह पर मीटिंग हो रही थी और वहाँ पर ऐसा हुआ, जो पास्टर साहब थे उन्होंने ऐसे ही मीटिंग में से भाई सबको खड़ा हो बोले इसके अंदर शैतान है। अभी वो भाई साहब को बुरा लगा, सबके बीच में मुझे उठाकर ऐसा बोलता है इसके अंदर शैतान है, वो तो दरवाज़ा खुलकर चला गया भाई, मुझे अभी नहीं बैठना। और पास में उनका घर था, वहाँ पर जाकर बैठ गई। वो पास्टर साहब ने बोला जो भाई साहब बाहर गए उनका कोई रिश्तेदार है, अब उनकी पत्नी वहाँ पर बैठी हुई थी, तो बोलते मैं यहाँ बोला, बोलो मेरा पति है। आपका पति है, संभाल कर रहे ना, उसके अंदर बहुत बड़ा शैतान है। अभी क्या हुआ, ये बहन जी अपने घर चली गई। जब मीटिंग समाप्त हुई रात के 10 बजे हो गए और उसका पति ऐसे खाट के ऊपर बैठा था और बार बार दरवाजे की ओर देखता था, मेरी पत्नी अभी आया, अभी मीटिंग खत्म हुई और आ गई, बोला आ गई तुम। अब इसको तो वही बात याद है कि पास्टर ने बोला इसके अंदर बड़ा शैतान है, क्योंकि शैतान ही बोल रहा है आ गई तो मतलब मेरा क्या करने वाला है, वो तो वही दरवाजे के पास बैठ गई। उसका पति वो कह के बैठी होगी 2-3 मिनट तक ऐसे देखता है उसका पति, अब उसको भी डर लगता है मेरे सामने ऐसे क्यों, तो हर वक्त देखता था। लेकिन आज वो बात हो गई थी और उस बात की वजह से उनकी लड़की थी छोटी, उसके दिमाग में बात आ गई थी 15-16 साल की, मम्मी को क्या डरती है, हम पापा के साथ होते रहे तो पास्टर नाच बोल रहे तो उसकी बातों के ऊपर विश्वास कर ले। तो पति भी बोलता है तो क्या मुझे शैतान समझती है, अगर बातें करता है तो उसको वही दिखाई देता है। कितना उसको समझाया, बाद में घर में आई लेकिन देर रात तक सोई नहीं, जैसे जैसे मालूम उसको कब नींद आई, फिर सुबह उठ गई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, धीरे धीरे डर खत्म हो गया, 15 दिन हो गए और फिर से वो साहब की एक बार मीटिंग, इसके पति तो मना कि मैं नहीं आने वाला इसकी मीटिंग में, मैं कोई बात नहीं मैं तो जाती हूँ, चलो वो जैसा हो मुझे जाने दे। अब उसने पास्टर दूसरी बार ऐसा बोल दे, बोले बहनों आपका ही पति था ना, बोले हाँ, बोले संभाल ना उससे। अभी दूसरी बार उसके दिमाग में आ गया सही में सच्ची बात है, बोले अपनी मीटिंग में आते रहते थे लेकिन पास्टर दूसरा था। तो ऐसे हालात हो जाते जब किसी से कुछ सुनते, पति के अंदर कुछ नहीं था, पति पति ही था, दोनों प्रेम से ही रहते थे, लेकिन जब ऐसी कोई बातें चाहे गलत हो लेकिन सुनने को मिल जाती है तब ऐसी बातें हो जाती है। अभी देखो पूरी दुनिया में बात चलती होगी, यहाँ पर पानी नहीं है, इतने लोग मर गए, वहाँ पर पानी खत्म हो गया, ये देश में इतने लोग मर गए, और जो भी देशवासी होते होंगे वो कांपते होंगे, कब हमारा नंबर लग जाए, कब हम खत्म हो जाए। लेकिन बहुत ध्यान समझता है मिस्र देश में लोग कैसी बातें करते होंगे, मिस्र देश में लोग बातें बहुत अनहाल से, हमारे पास तो बहुत खाना है, अरे कितना चाहिए, सबके पास चले जाओ, ये सब तो बैठा है देने के लिए, पूरी दुनिया में एक ही बात चल रही है खाना नहीं है। आज इतने लोग मर गए, कल इतने लोग मर गए थे, परसों इतने लोग मर गए थे, ये देश में इतने कम हो गए, वो देश में इतने कम हो गए, लाशें दफन करने के लिए वक्त नहीं, ऐसे लोग खड्डे में डाल देते, ऐसे लोग समुंदर में डाल देते, चाहे कैसी भी बातें चलती हो। लेकिन एक मिस्र देश ऐसा था कि वहाँ पर बातें कुछ अलग से थी, और वहाँ की बातें कैसी थी, यहाँ पर बहुत खाना है,
यहाँ पर सब कुछ है हमारे पास, यहाँ पर भरपूरी आज भी है अकाल के वक्त, और मिस्र देश में बहुत सारा खाना जो था वो वहाँ पर था। क्यों इतना फर्क एक मिस्र देश में अंदर और बाकी सारी दुनिया के अंदर? भरपूरी जो 7 साल की आई थी वो सिर्फ मिस्र देश में नहीं आई थी, वो पूरी दुनिया में भरपूरी थी, पूरी दुनिया में भरपूरी थी। और जो अकाल था वो भी पूरी दुनिया में था, अकाल भी पूरी दुनिया में था। लेकिन मिस्र देश वालों ने क्या किया था कि अनाज को उन लोगों ने भर कर रखा था, भरपूरी का फायदा मिस्र देश वालों ने उठाया और बाकी पूरी दुनिया जो थी उन्होंने भरपूरी का फायदा नहीं उठाया। मैं बहुत बार चिल्लाया, मैं बहुत बार बोला संगति में रेगुलर आओ, एक सेकंड भी लेट मत आओ, मुझे कौन सा फायदा होने वाला है? मैं क्यों बोलता रहता हूँ? कई बार मैंने इस भरपूर के बारे में बताया कि ये भरपूर है, तब तक परमेश्वर के वचन को सुन लो, उसको पढ़ लो, उसको ग्रहण कर लो, उसको अपने दिल के अंदर बसा लो, इसको खा लो, पूर्ण रीति से इसको अपने दिल के अंदर बसा लो। आज देखो पूरी दुनिया में कोरोना 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 वायरस चल रहा है, और कोरोना वायरस जो है वो पूरी दुनिया में फैल गया। लोग जोक बनाते, कल 5 बजे लोगों ने थाली बजाई, ढोल नगाड़े बजाए, और सरकार ने 5 मिनट बोला था, लोगों ने आधा घंटा बजा दिया और लोगों ने जॉब लिख दिया। बोले कोरोना को पहले बेहरा कर कर मारना है क्या? लोगों ने जॉक बना दिया इसका। बोले हमारे इंडिया में जो ऊपर टंकी होती उसको कभी धोते नहीं, उसका पानी पीते हैं, और फिर जो लोग हाथ नहीं धोते ऐसे हाथों से पकोड़े बनाते, ऐसे पकोड़े लोग खाते हैं, और फिर जो जलेबी चाशनी जिसके अंदर बोले मच्छर पहले से मरे पड़े हुए थे, मक्खी मरी पड़ी होती है, ऐसी जलेबी खाते हैं, और पानी पूरी वाला मालूम नहीं किस तरह से पानी पूरी बनाता है और फिर भी लोग खाते हैं, और बोले फिर भी इंडिया वाले का कुछ नहीं हुआ तो बोले कोरोना क्या उखाड़ लेगा। ऐसे लोगों ने जोक बनाएगा वो ध्यान समझता है, लेकिन फिर भी आप बाहर जाकर देखो जोक सिर्फ जोक है, सभी लोग सिर्फ लिखते हैं जोक, लेकिन अंदर से वो हंसी नहीं आती जो सही में उनके जीवन में। अगर इतनी ही बड़ी बात है, इतना ही बड़ा आनंद की बात है कोरोना की, तो आनंद क्यों नहीं दिखाई देता? सही में लोग डर रहे, सही में लोगों के अंदर इतनी दहशत फैल गई है कब क्या होगा, और ऐसा क्यों क्यों लोगों के अंदर इतनी दहशत फैली हुई? वह ध्यान समझना कि आज कोरोना की वजह से सब कुछ बंद है, सभी लोग अपने घर में कैद है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कोई बाहर नहीं निकलेगा, सब कुछ ट्रेन प्लेन बस ऑटो सब कुछ बंद कर कर रखा है, यहाँ तक कंपनियाँ सरकारी कचहरियाँ सब कुछ बंद कर कर रखा है, और सभी इंसान अपने घर पर है, और घर पर भी इंसान क्या करता है मालूम? जैसे मोबाइल लेकर बैठा व्हाट्सएप पर, कोरोना में चीन में इतना हुआ, स्पेन में इतने मर गए, इटली की हालत बहुत ख़राब है, और अमेरिका में ऐसा हो रहा है, इसराइल में ऐसी बात है, और अगर फेसबुक खोलते हैं तो वहाँ पर भी कोरोना, और अगर टीवी देखते तो वहाँ पर भी कोरोना। पहले उनको बोलते थे कि आप एक काम करो मीटिंग में, बोले वक्त का है, उनको बोलते थे बाइबल पढ़ो, रहे अभी तो हमारा जॉब जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, टाइम ही नहीं मिलता, तो अभी तो टाइम मिल रहा है, तो अभी क्या करो टाइम में? अभी भी वही बात, अभी भी व्हाट्सएप, अभी भी फेसबुक, अभी भी टीवी, अभी भी कोरोना 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 देखते, तो फिर उनके अंदर आ क्या जाता है? उनके अंदर भी वही कोरोना वाली बात ही उनके अंदर आ जाती है, उनके अंदर भी कोरोना का भय कोरोना का डर जो है वो वहाँ फैलाओ, यहाँ पर इतने मरे वहाँ पर इतने मरे। अरे पहले तो बहाना भी था बाइबल नहीं पढ़ने का, संगति में नहीं जाने का, लेकिन अभी तो बहाना भी नहीं रहा, अभी तो हम परमेश्वर के वचन देख सकते, अभी तो हम परमेश्वर के वचन खा सकते, हम उसको सुन सकते, अभी हमारे अंदर उसको उतार सकते। बाहर से तो बहुत सारी बातें आती थी, उस भाई साहब को जिसके मन के टूट गए थे डॉक्टर ने ही बताया 3 महीने तक हिलना नहीं है,
कितना डरा हुआ होगा, 3 महीने तक हिलूंगा नहीं और 3 महीने तक नहीं हिलूंगा तो मेरे कमर के अंदर क्या हो जाएगा। कई बार मांस सड़ जाता है, उसको निकाल कर फेंक देना पड़ता है और फिर बरसों तक वो जख्म जो भरता भी नहीं है, उसमें से दुर्गंध आती है, इंसान मर जाता है। वो तो यही सब कुछ सुनकर आया था, लेकिन मैंने परमेश्वर के वचन सुनाए नहीं। परमेश्वर ये कहना चाहते हैं और परमेश्वर का वचन ये है कि जब उस संसार की बातों के ऊपर परमेश्वर का वचन ऐसे हैवी हो गया, उससे विश्वास किया कि जैसे हाथ दिया उसने, हाथ दिया चलो उठ जाओ और देखो संसार की बातें कहाँ चल गई। ये कोरोना कोरोना सुनते रहोगे कभी भी आ जाएगा, मारकर चला भी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। वचन आपके अंदर होने चाहिए। जब ये परिस्थिति है तो वचन आपको कोरोना के बारे में क्या कहता है, अरे मेरे परमेश्वर के घोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, बात खत्म। उसने तेरे सारे दर्द सारी बीमारियाँ ले ली है, बात खत्म। लेकिन अभी याद आता है किसको, नहीं इसको अभी इतनी उम्र गएगी। अरे वचन कोई बोलता है 53 में ऐसा लिखा है, पहले पत्रस दो के 24 में ऐसा लिखा है, नहीं यार अमेरिका में तो ऐसा होगा, अमेरिका इतना आगे फिर भी देखो वो लोग कुछ नहीं कर पाते। अभी इंडिया का क्या होगा, बाहर से भी लोग ऐसा बोलते तुम्हारा इंडिया का क्या होगा, अरे हमारा जो होगा तुम अपना तो देखो। वचन क्यों लोगों को नहीं दिखाई देते, क्योंकि भरपूरी में वचन का फायदा नहीं उठाया। जब मिल रहे थे तब अगर उसको दिल में उतार दिए होते तो कोरोना के सामने लड़ने के लिए आपको ये वचन जो है वो वचन आपको काम में आते। डॉक्टर ने तो डरा दिया था, 3-3 पथरी एक ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर के वचन हैवी हो गए। लेकिन परमेश्वर के वचन कब आए, जब थे तो आए, नहीं होता तो कोई और गया होता तो ऐसा नहीं यार फिर तो आपको करवाना पड़ेगा। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपका ऑपरेशन सफल करें। वचन होने चाहिए, वचन खाने के लिए हमको दिए गए, वचन हमारे अंदर होने चाहिए। जो वचन आज हमने पढ़ा था रोमन उसका 10वां अध्याय और वहाँ पर 16 पद से लेकर आखिरी पद तक हमने पढ़ा और वहाँ पर एक बात लिखी हुई है और हम पढ़ते उसका 17 पद। पता सुनने से और सुनाना और सुनना मसीह के वचन से होता है। फिर से पढ़ो। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास किससे होता है? सुनने से विश्वास होता है। हालेलुया, बहुत ध्यान से मानस। क्या वचन का विश्वास कहाँ से होता है? सुनने से विश्वास आता है। आप जो सुनोगे ना उसके ऊपर विश्वास आएगा। इटली में इतने मर गए तो आपको उसी के ऊपर विश्वास आएगा, इटली में इतने मर गए। अरे अभी हमारे को तो घर के पास में ही केस हो गया। अच्छा घर के पास में हो गया तो आपको उसके ऊपर ही विश्वास आएगा। अरे यहाँ पर लोग ताला मार कर चले गए तो आपको उसके ऊपर ही विश्वास आएगा। जो आप सुनते हो उसके ऊपर विश्वास आएगा। हालेलुया, और चाहे वो झूठी बात हो लेकिन जब सुनते हो तो जो सुनते हो ऐसे ही विश्वास आता है। कोरोना की बात सुनते रहोगे तो कोरोना के ऊपर ही विश्वास आएगा। कोरोना बहुत भयानक है, कोरोना ऐसा है कि रहना वैसा है, लेकिन वक्त मिला है तो इस बाइबल को खाना शुरू कर दो, इस बाइबल को अपने हृदय में भरना शुरू कर दो, इसको संपूर्ति से अपने दिल के अंदर उतार लो ताकि ऐसे समय में वो वचन जो है आपके दिल से उछल उछल कर बाहर आए और आपको बताए कि देख ऐसे वक्त पर कौन से परमेश्वर के वचन हैं और देखो परमेश्वर ने कौन सी बातें हैं जो तेरे लिए बताई है। और जब वो वचन हमारे बाहर निकलेंगे ना तो कोरोना के कोई भी वचन वो हमारे अंदर नहीं जाएंगे और कोई भी भय है कोई भी डर है नहीं हमारे अंदर आएगा, लेकिन हमें बल मिलेगा। और फिर से पढ़ते हैं 17 पद एक बार फिर से पढ़ो। विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह का वचन है। इसे परमेश्वर साथ में बोलते भी है कि क्या सुनो, मसीह के वचन सुनो, दूसरी बातें सुनने को मना की है। ये महामारी के बारे में सुनने को परमेश्वर ने मना किया, मत सुनो। कोई भी आता है कोरोना कोरोना छोड़े तो कोरोना के बाद थोड़ा बाइबल की बातें करके क्यों हमारा वक्त जो है हम बर्बाद करें। तो इस बातों से डरो मत, इस बातों को सुनो ही ना, सुनोगे तो उसके ऊपर विश्वास आएगा। लेकिन परमेश्वर को तो सुनने से विश्वास आता है और सुनना क्या है, परमेश्वर का वचन सुनना है। तो अगर परमेश्वर के वचन आप सुनोगे
तो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास आएगा। जब गोलियात लड़ने के लिए निकला बाहर और उसने कहा आप में से कोई भी एक लड़ने के लिए आओ, और तब जितनों ने ये सुना, गोलियात तो 9 फुट और 9 इंच का हाइट धराने वाला बड़ा एक महायोद्धा है, तो उनको डर लग गया। लेकिन जब दाऊद गए, दाऊद ने ये बात नहीं सुनी। दाऊद ने तो क्या सुना, मैं उस परमेश्वर को मानता हूँ जिसने मेरे जरे भालू को मरवा दिया, मैं तो उस परमेश्वर को मानता हूँ जिस परमेश्वर ने सिंह को मेरे जरे मरवा दिया। तो गोलियात क्या है, उसने हाइट नहीं देखी, उसने बॉडी नहीं देखी, उसने तो ये देखा मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है। अगर गोलियात के सामने परमेश्वर खड़े हो जाए तो गोलियात दिखेगा भी क्या? गोलियात दिखेगा भी नहीं, इतने बड़े हमारे परमेश्वर के। तो लोगों ने किसको देखा? गोलियात को देखा, गोलियात की बातें सुनी तो सारे डर गए। लेकिन दाऊद ने किसको देखा? दाऊद ने परमेश्वर को देखा। कोरोना को देखोगे तो कोरोना ऐसे दिखाई देगा, लेकिन परमेश्वर को देखोगे तो कोरोना ऐसे दिखाई कुछ नहीं है। हालेलुया। और इसलिए ये जो भी माहौल है उसको परमेश्वर पक्का बहुत जल्द दूर कर देंगे, क्योंकि आज तक बड़ी से बड़ी मरी इस दुनिया में आई, लेकिन हमारे परमेश्वर के नाम से वो सारी वो चली गई है। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं, ये भी परमेश्वर उसको दूर कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे दिल के अंदर क्या है, हमारे दिल के अंदर परमेश्वर के वचन है कि नहीं, भरपूर के वक्त हमने इसको हमारे अंदर डाला है कि नहीं डाला है। ये जो परमेश्वर के वचन है, उस परमेश्वर के वचन को पढ़ना बंद कर दो, इस परमेश्वर के वचन को खाना शुरू कर दो, इस वचन को अच्छे से भूंज कर एक तंदूरी के समान पूरा मसाला डालकर, बॉयल किया हुआ नहीं, कच्चा नहीं, लेकिन पूरी तरह से अच्छी तरह से पका कर उसको टेस्टफुल बनाकर उसको खाना सीखो। और परमेश्वर क्या बोलते, सुबह तक नहीं रहना चाहिए, मतलब इस तरह से पढ़ो कि बहुत जल्दी सारे वचन आपके अंदर उतर जाए, पूरे वचन जो है उसको आप उतार दो। अभी जो भी छुट्टियाँ मिली है उसका सही इस्तेमाल करो, और लगातार बाइबल लेकर बैठो, उसको बाइबल को अपने अंदर उतार लो। बाकी जितनी भी न्यूज़ है वो सारी न्यूज़ गलत है, सारी न्यूज़ झूठे है, बहुत ध्यान से समझ लेना। और सारे न्यूज़ में कोई भी शुभ वाली बात नहीं, शुभ वाली बात नहीं, और हमारे बाइबल में 4-4 सुसमाचार है। तो फिर हम ऐसे न्यूज़ क्यों सुने कि जिससे सुनने से डर लगे? लेकिन बाइबल के सुसमाचार सुनो, मत्ती सुनो तो दिल कैसा खुश हो जाएगा, मरकुस सुनो आप खुश हो जाओगे, लेकिन टीवी देखो कोरोना देखो तो वहाँ बैठे बैठे डर लगेगा। और इससे अच्छा है कि परमेश्वर के वचन जो है उसको खाना शुरू कर दो, उसको अपने अंदर लेना शुरू कर दो, ताकि आपके अंदर परमेश्वर के वचन की भरपूरी आए और ये सारा डर जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और लोगों के पास जाकर यही वचन उनको बताओ कि हमारे परमेश्वर सबसे बड़े, और देखो आपकी जो भी डर आता है वो सारा डर परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए निकाल देगा। और वह ध्यान समझना, ये तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, ये जो घटना हुई है ये तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, परमेश्वर ने जो बात लिखी है वो तो अभी तक शुरू नहीं हुई। ये तो समझो कि एक ट्रेलर आया है बस, फिल्म तो अभी बाकी है, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है जो मसीह का विरोध उठने वाला है, और उसके बाद जो कुछ होने वाला है वो तो बहुत ही भयानक सा है। लेकिन उस वक्त भी वही लोग बचाए जाएंगे जिनके अंदर पवित्र आत्मा है। और इसलिए अभी ही आज तक चाहे जितना भी गवा दिया, लेकिन आज से शुरू करो, मोबाइल को फेंको एक और, उसकी बातों को फेंको और, फेसबुक को छोड़ो, व्हाट्सएप को छोड़ो, सिर्फ बाइबल अपनाओ, बाइबल को खाओ, उसको अपने अंदर उतारो, अपने हृदय में जमा करो, ताकि ऐसे वक्त पर काम आए। क्योंकि लोग ये जब सुनते हैं तभी वो लोग डरते, चाहे कितने भी जोक बनाए लेकिन डरे हुए लोग हैं। क्यों घर के अंदर से बाहर नहीं निकल पाते? क्योंकि डरे हुए लोग हैं, उनको डर लगता है क्या होगा क्या नहीं। क्यों बाजार में लोग इतना खरीद कर रहे हैं? क्योंकि चाहे जोक बनाए लेकिन डर के मारे सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन बहुत ध्यान समझना, ये वक्त आया है, चला भी जाएगा, बहुत जल्द चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर के वचन को खाना सीखो, उसको अपने अंदर उतारना सीखो, ताकि आप बचाए जाओ। हालेलुया। आओ हम हमारे आँखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें,
हम अपने आप को परखें। क्या सही में मेरे अंदर डर तो नहीं? अपने अंदर झांक कर देखो कि अंदर से कौन सी बातें बाहर आती है। वचन खाना सीखो, वचन को दिल में भरना सीखो, ताकि आप बचाए जाओ। ऐसे वक्त पर ये वचन हमारे लिए फायदेमंद है। यूसुफ ने इकट्ठा किया तभी तो काल में बना रहा, तो भरपूर इसीलिए कि उसमें हम इकट्ठा कर सके। और ऐसे वक्त पर जब दूसरी बातें सुनने को मिलती है तब हम वचन से तृप्त रहे और बलवंत बने रहे। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।